हाय फ्रेंड्स, दिस इज तुषार। वेलकम टू माय चैनल। चलो आज का क्लास में हम एक न्यू पीस स्टार्ट करते हैं। इसका नाम आपको स्क्रीन में दिख रहा है एंड इसका नाम है कुको। चलो नोटेशन अभी स्क्रीन में फॉलो कीजिएगा। इसमें देखिएगा फास्ट जो बार है उसका BPM मेंशन कर दिया हूँ, दैट इज 110 मेंशन किया हूँ एंड मतलब क्वार्टर नोट इज इक्वल टू 110। ओके, टाइम सिग्नेचर है 3-4 टाइम सिग्नेचर में है। यहाँ पे देखिएगा एक फास्ट बार में देखिएगा एक अनदर से मतलब थर्ड नंबर जो नोट है उसमें एक अलग से सिंबल मेंशन किया हुआ है। ये सिंबल का मीनिंग क्या है? दिस इज ए रेस्ट, क्वार्टर रेस्ट बोलते हैं इसको। क्वार्टर रेस्ट इन द सेंस जो क्वार्टर नोट का जो टाइम ड्यूरेशन है क्वार्टर रेस्ट का भी टाइम ड्यूरेशन उतना है। रेस्ट इन द सेंस देयर इज नो साउंड, कंप्लीटली ब्लैंक। जैसा यहाँ पे फास्ट बार में, फास्ट बार को फॉलो कीजिएगा, फास्ट बार में देखिएगा दो नोट है, फास्ट है, तीनों क्वार्टर नोट है, एक दो नोट है, एक रेस्ट है, क्वार्टर रेस्ट है। तो फास्ट जो नोट है दैट इज जी, देन ई, देन रेस्ट, वन बीट रेस्ट, कंप्लीट वन बीट। तो उसको हम लोग कैसा प्ले करते हैं, राइट? साउंड को स्टॉप करना, ठीक है। अभी सेकेंड बार में भी सेम नोट रिपीट हुआ है, जी ई एंड वन रेस्ट। एंड थर्ड बार में है आपका डी सी डी, फोर्थ बार में डॉटेड हाफ नोट, दैट मीन्स 3 बीट, 1 2 3। ओके, नेक्स्ट बार में देखिएगा जी, अगेन सेम जी ई एंड रेस्ट। सिक्स्थ बार में अगेन जी ई, एट बार में है कौन सा नोट है आप याद कीजिए, फर्स्ट गैप में होता है ई, सेकेंड गैप में सी, सी पोजीशन का होता है सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट। उम्मीद कर दो आपका सब नोट याद हो गया, अभी जितना नोट अपने इंट्रोड्यूस हुआ है आपका साथ में सब नोट आपको याद हो गया है। तो सेकेंड लाइन को कैसा प्ले करना है, ठीक है। इसमें देखिएगा आपका डॉटेड हाफ नोट है, इसको साउंड बंद नहीं करना, 1 2 3 टेट, नेक्स्ट बार में है डी डी ई, देन नेक्स्ट बार में हाफ नोट में एफ है, एफ 1 2 3 मतलब डी है, देन नेक्स्ट बार में है तीन क्वार्टर नोट है, देन नेक्स्ट बार में है 1 2 3 जी है हाफ नोट, 1 2 नेक्स्ट ई, 3 वन बीट है, देन नेक्स्ट बार में है इस लाइन का फर्स्ट बार में देखिएगा जी, सेकेंड बार में जी एंड अगेन ई, जी है हाफ नोट में 1 2 3, थर्ड बार में है तीनों क्वार्टर नोट है डी, फोर्थ बार में अगेन हाफ डॉटेड हाफ नोट 1 2 3। तो क्या बना लास्ट लाइन, आपको अगर कहीं पे भी रिदम समझ में नहीं आ रहा है या नोटेशन समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अगर कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या डायरेक्टली मेल करके भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो चलो कंप्लीट एक बार प्ले करके देखते हैं कैसे बजता है। नाइस सुर है, अच्छा ही है, काफी रिदमिक भी है। तो इसको चलो एक बार मेट्रोनाम का साथ में जो स्पीड है इसका 110 स्पीड सेट किया हुआ है, इसका साथ में आप एक बार प्ले करके देखते। ध्यान में रखना ये पीस को ना आप
मेमोराइज मत करना। ये जो आपका फेस चल रहा है, जो पीसेस आप सीख रहे हो, इसमें आपको रीडिंग पढ़ना, साथ में प्ले करना, यही सीखना है। वो देख के बजाना है आपको, नोटेशन को देख के बजाते जाना है। नोटेशन नहीं आता बजा नहीं पाऊंगा, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट। नोटेशन को फर्स्ट एक एक लाइन आप देख लीजिएगा, वो लाइन को देख के बजाते रहिएगा। सामने नोटेशन नहीं आया तो पीस कुछ याद होनी नहीं चाहिए। इसमें हम ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि म्यूजिक को रीडिंग कैसे पढ़ा जाता है, मतलब पढ़ते कैसे है, एज वेल एज उसको देख के बजाते कैसे है, ठीक है। याद रखिएगा, आपका ही काम आएगा ये पीस को भी ट्राई करना। 7 to 8 days वन वीक प्रैक्टिस करने के लिए, फर्स्ट एक दो दिन तो आपको इनिशियल लेवल में उठाने के लिए लग जाएगा। पहले जब आप स्टार्ट करोगे तो बिलो 70 से स्टार्ट करना, धीरे धीरे स्टार्ट करना। एक बार कंप्लीट रीडिंग पढ़ना आ जाता है तो उसको स्पीड धीरे धीरे बढ़ा के 110 तक लेके जाना यहाँ पे, देन आप नेक्स्ट पीस में मूव करना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप मेट्रोनॉम का साथ में ही प्रैक्टिस कर रहे हो एंड आप दिल लगा के प्रैक्टिस कर रहे हो। कभी अगर आपका कोई पीस रेडी हो गया तो उसको एक छोटा वीडियो ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करना, मेल थ्रू भेज सकते हो आप। मुझे भी अच्छा लगेगा आप कैसे सीख रहे हो, आपका साउंड कैसा आ रहा है, देन बजिंग साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपका प्रैक्टिस कैसे चल रही है देखने में। पर अगर कुछ करेक्शन का जरूरत है मैं डेफिनेटली उसको करेक्ट करके आपको भेज दूंगा, वही तो शॉर्ट वीडियो क्लिप। तो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अनदर एक पीस का साथ में। थैंक यू।